नमस्कार दोस्तों, मैंने 5 दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जो फ्रेमलेस पैनल को ओपन करने का यानी उसे निकालने और लगाने का उसमें आई एक ऑप्शन बताए थे, जो कि वो धागे से बताए थे कि कैसे निकाला जाता है। तो उस पर कुछ लोगों के कमेंट भी थे और उसमें कुछ बताना भी था हमको ऑप्शन, जो आपको यानी आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है उसे जानना। जैसे कुछ लोगों का कमेंट था कि मोबाइल को निकालने वाला जो वायर आता है उसको यूज करने के लिए, तो यहाँ पर हम बताना चाहते हैं आपसे कि उस पैनल को जो निकाला जाता है वहाँ पे हमने धागे को इसलिए यूज किया था क्योंकि आप कोई भी अगर वहाँ पे कोई भी वैसा हार्ड चीज़ अगर यूज करते हैं तो पैनल के जो साइड में कुछ ट्रैक गए होते हैं जो गेट के लिए जाते हैं या जो साइड में उसके सिग्नल और वोल्टेज के लिए बने होते हैं ट्रैक, वो कटने का डर होता है। क्योंकि जब आप वायर को ऐसे से चलाते हैं तो आप किसी प्लास्टिक पे कहीं पे उसके वायर को चला कर देखिए कि उसका मतलब रिजल्ट क्या होता है। तो मान लीजिए ऐसे आप निकालने के चक्कर में अगर ऐसे से अगर हॉरिजेंटल कर रहे हैं और वो साइड में बाय चांस अगर ऊपर से वो हुआ ऐसे रगड़, तो पैनल का जो साइड में कटने का डर होता है। और दूसरी बात ये है कि जो उसमें हार्ड वो जिसे नाइफ या वैसा कोई चीज़ यूज करते हैं कटने मतलब उसको निकालने की कोशिश करते हैं, वहाँ भी वो है बहुत ही रिस्क होता है। अब वहाँ पे ये रिस्क कवर करने का जो मतलब है ये रीज़न इसलिए बता रहे हैं आपसे कि कुछ लोगों का ये प्रॉब्लम इशू आया है, तब हमने उस आइडिया को वहाँ पे लगाया है कि कैसे उसे जो है और ऑप्शन से निकाला जा सकता है। क्योंकि उसके पहले मैंने देखा कई लोग जो जो सिस्टम से निकाल रहे थे वो अपना अपना तरीका होता है, लेकिन कुछ लोग जो नए हैं उस फील्ड में या पहली बार उसे यूज कर रहे हैं तो उनके लिए ये बेटर ऑप्शन था जो हमने बताया है। और दूसरी बात, वहाँ पे टेप जो हमने लगाने के लिए बताया था उस समय हमारे पास वो टेप नहीं था, जो कि उसके लिए एक स्पेशल टेप आता है हाई क्वालिटी का और ये हाई टेम्परेचर रेजिस्टेंस होता है उसमें, क्योंकि वो फॉर्म होता है जैसे स्पंज या फॉर्म होता है ना टेप जो पतला वाला, वो कई mm के आते हैं, 3 mm, 5 mm, 4 mm यानी 2-3 साइज के आते हैं। वो एक स्पेशल टेप लीजिए और फॉर्म का या ये जो स्पंज टेप है इसे बहुत ही ज़रूरत है लगाने के, क्योंकि वहाँ पर देखेंगे आप वो जो टेम्परेचर जो बैकलाइट से कुछ गर्म होता है अंदर पैनल, तो वहाँ पे हमने दिखाया था उस टेप को, बैकलाइट का वो टेप था कि इमरजेंसी में अगर टेप ना हो तो उसे लगा सकते हैं। तो उसके लिए हम जो वहाँ पे टेप को यूज किए हैं तो उसके पहले जो वहाँ पे स्पंज लगा था हमने उसे पूरा तरीके से रिमूव नहीं किया था, उसी स्पंज पे ही हमने जो है उसे उस टेप को यूज किया था और ऊपर से हमने जो है थोड़ा थोड़ा टेप जो है कॉर्नर पे दे दिए थे कि पैनल को जो गिरने का डर होता है वो चीज़ें गिरे ना। तो वो इसलिए ऑप्शन बताए थे कि कभी कभी इमरजेंसी में क्या होता है टेप नहीं मिल पाता या ऐसे जगह पे, तो कुछ लोगों ने इस चीज़ का ऑप्शन पूछा था तो हमने उसमें बताया था। लेकिन परमानेंट जो सलूशन है उसका टेप इस्तेमाल करें और वहाँ पे किसी भी प्रकार का वायर, चाहे वो कॉपर का वायर हो चाहे टिन वायर हो, उससे आप उसे ओपन करने का प्रयास ना करें या चाकू से, क्योंकि वो पैनल क्रैक हो जाने का बहुत ही समझ लीजिए 90% चांसेस होता है जो नए हैं, और जिनका एक्सपीरियंस है वो किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, उनके लिए अलग बात है। अब नेक्स्ट आते हैं इसके टॉपिक पे, ये हमारा मैग्नेटिक इंडक्शन हीटिंग 3 kW का जो है ये सर्किट डायग्राम है। अब इसमें अगर 3 kW की बात करते हैं तो यहाँ पर देखें 3-3 MOSFET यूज किए गए हैं जिसका नंबर है HY3810। ये 3 ए साइड का है और ये 3 बी साइड का है। अब इसको हम बताते हैं आपका कि ये काम कैसे करता है। एक तो ये 3 kW है, तो 3 kW में आप अगर एक एक MOSFET यूज करते हैं, 2 कैंसिल कर दें तो 1 kW हो जाएगा, यानी एक इस साइड में एक इस साइड में। अगर 2-2 यूज करते हैं तो आपका 2 kW हो जाएगा, और अगर 3-3 यूज करते हैं तो आपका ये 3 kW हो जाएगा टोटल। ये हाई मैंने वाटेज का इसलिए बताया है कि किसी का रिक्वायरमेंट था इंडक्शन को समझने के लिए, तो यहाँ पे हमने इस टॉपिक को थोड़ा सा स्टार्ट किया है और हम नेक्स्ट इसके जो डिटेल है वो आपको हम आगे बताएंगे। तो यहाँ पर देखें जैसे ये जो है ये कॉयल बना हुआ है
और यहाँ पे PF यूज किए गए हैं, जो कि यहाँ पे जो कैपेसिटर लगा हुआ है ये टोटल यहाँ पे 10 कैपेसिटर है, जिसकी वैल्यू यहाँ पर देखेंगे तो ये वैल्यू है इसका 0.47 MFD और 275 वोल्ट। ठीक है, अब ये टोटल यहाँ पे 10 जुड़ते हैं, जिसका जो है MFD अगर टोटल सीरीज वो सॉरी पैरेलल में जोड़ेंगे तो टोटल इसका वैल्यू आएगा 4.7 माइक्रो फैरड। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने दोनों का इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसकी जो रेजोनेंट सर्किट बनती है, जो रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी काम करता है, ये इसके कैपेसिटर और इस कॉइल के अनुसार ही ये काम करता है। ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से वायरलेस हीटिंग जैसे हीटिंग का काम करता है। वायरलेस मतलब कि जैसे यहाँ पर हमने दिखाया है कि एक आयरन यानी ये लोहे का जो इसमें राड है इसको इन करने पे, तो जितना इसके अंदर यानी इस कॉइल के अंदर ये जो है जाएगा उतना ही जो है ये एरिया को हीट कर देगा, यानी पूरी तरीके से टेम्परेचर से ये गर्म कर देगा। अब काम कैसे करता है उसको समझेंगे, क्योंकि अगर इस टाइप के कॉइल को यूज करते हैं और इसके इंटरनल किसी किसी ऐसे आयरन यानी राड को यानी लोहे का हो स्टील का हो तो अगर इन करते हैं तो वहाँ पे उतना एरिया को हीट करने का काम करता है। और अब नेक्स्ट आ जाते हैं इसके बाद का, अगर इस टाइप से अगर कॉइल डिजाइन है तो इसका फंक्शन एक दूसरा तरीका हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके ऊपर आप पेपर भी रख देंगे और इसके ऊपर कोई स्टील का अगर यूज करते हैं सामान तो उधर इधर जो है इसके बीच का जो गैपिंग है यानी जो आपका यहाँ पे एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है उसके अनुसार ये उसको हीटिंग करने का काम करता है। अब ये काम कैसे करता है उसको हम समझते हैं। यहाँ पर देखें ये जो है तीन तीन मॉस्फेट यूज किए गए हैं और तीन मॉस्फेट का जो ये है इसका नंबर है HY3810 और इसका फीचर यहाँ पर देखें ये है। अब यहाँ पर आ जाता है बात कि काम कैसे करता है, तो सबसे पहले ये 50 वोल्ट और 50 एम्पियर पे इसकी जो सोर्स है जो DC वोल्टेज यहाँ पर दिया जाएगा, तो यहाँ पे प्लस की सप्लाई है और ये माइनस की यानी ये निगेटिव सप्लाई यहाँ पे टोटल ब्लैक से जाएगा जो कि सोर्स पे ये छो छो मॉस्फेट जो है जो 6 मॉस्फेट है इसके सबके सोर्स पे ये जाएगा हमारा जो निगेटिव वोल्टेज है। अब ये आ जाता है पॉजिटिव, पॉजिटिव वोल्टेज यहाँ इस कॉयल से होते हुए जो कि इस कॉयल का यहाँ पर देखेंगे नंबर है यहाँ पे 10 10 से लेकर 100 माइक्रो हेनरी तक का यूज कर सकते हैं, जो कि 5 mm का यहाँ पे वायर यूज होता है। और यहाँ से ये सप्लाई जब इन होगी तो ये सप्लाई यहाँ पर देखें ये सीधे ये सप्लाई यहाँ से इन होके यहाँ पे सबके ड्रेन यानी बीच में ये ड्रेन से जुड़ा है ये एक है, तो यहाँ पे जो ड्रेन पे सप्लाई डायरेक्ट जाएगी। अब ये सप्लाई यहाँ पर होते हुए ये सीधे यहाँ पर देखें ये ऐसे ऐसे आया है ये कॉइल में गया है और यहीं से ये डायरेक्ट यहाँ पे इस ये जो डायोड है और ये रेजिस्टेंस है इस रेजिस्टेंस के थ्रू यहाँ पे गेट पे जाएगा, गेट यहाँ पे है तो गेट यहाँ तीनों का जुड़ा हुआ है यहाँ देखें ये पैरेलल में, तो ये तीनों गेट को एक साथ में ये ऑन करने का काम करेगा ये 470 ओम का जो रेजिस्टेंस है 5 वाट का। अब ये सप्लाई जो सबसे फर्स्ट बार इन होगी और ये इस गेट को जाएगा और गेट को ऑन करेगा, ऑन करेगा तो सोर्स और ड्रेन की कनेक्टिंग होगी, तो ये हमारा जो सोर्स है ये नेगेटिव है और ये ड्रेन है, तो अब ड्रेन यहाँ पर देखें यहाँ से जुड़ा हुआ है यानी सप्लाई यहाँ से इन हो रहा है इस कॉइल के द्वारा आ रहा है, तो अब यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा और यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगा, तो उस समय जो है यहाँ पे जो इसका मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसके अनुसार काम करेगा। अब ये हमारा जो यहाँ पे यानी इसकी जो सप्लाई है गेट की जो यहाँ पे गई है तो ये 50 वोल्ट यहाँ पे है, लेकिन इस रेजिस्टेंस के द्वारा यहाँ पे ड्रॉपिंग होगा, ड्रॉप करने का कौन सा काम करेगा ये जीनर काम करेगा, जीनर हमारा 12 वोल्ट से 12 वोल्ट का है और ये मतलब 5 वाट का है यानी 5 वाट का। अब ये क्या करेगा कि यहाँ पे जैसे ये इसके वैल्यू से यानी 12 वोल्ट से जैसे यहाँ पे 10 वोल्ट से शुरू होगा ड्रॉपिंग
यानी 10-12 वोल्ट जैसे आएगा तो वहाँ पे ये ड्रॉप शुरू करेगा, यानी ग्राउंड करना शुरू करेगा, और ग्राउंड करते करते अपने पीक वैल्यू यानी 12 वोल्ट के अनुसार इसे यहाँ पे तुरंत जीरो कर देगा। जैसे ही जीरो हुआ, जैसे यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बदल जाएगी, फिर यहाँ पे जो मैग्नेट बना है उसके अनुसार यहाँ से वोल्टेज ये आएगा और यहाँ पर जाएगा 470 पे जो उसके द्वारा बना। फिर यहाँ पे जो काम वहाँ हुआ था, अब ये वोल्टेज सीधे इसको ये जीनर के द्वारा जहाँ यहाँ पे जो है मतलब ड्रॉप किया जाएगा इसके, जैसे जैसे यानी इस कैपेसिटर के अनुसार ये तुरंत जो है ड्रॉप नहीं होता, जैसे जैसे ये डिस्चार्जिंग होगा उसके अनुसार जो है ये साइकिल मूवमेंट करेगा। उसको कुछ इस तरीके से समझें, जैसे यहाँ पर देखें ये जीरो है और ये 10 वोल्ट है, ये 18 यानी 18 वोल्ट है। अब ये जो वोल्टेज जो सप्लाई यहाँ पर आ रही है गेट पे, यहाँ से यहाँ पे, अब ये जो वोल्टेज यहाँ से इन होगा 470 रेजिस्टेंस के द्वारा, तो ये इसके वैल्यू के अनुसार ये यहाँ पे ड्रॉप करना शुरू करेगा। अब वो ऐसे होगा कि जैसे ये 10 वोल्ट है और ये 12 है यहाँ, अब ये 12 वोल्ट ऐसे जैसे यहाँ 12 वोल्ट पे पहुँचेगा